साल 2024 चुनावी वर्ष है। लोकसभा के साथ साथ झारखंड में विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय है और लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो आज आजसू के केंद्रीय कार्यालय में मिलन समारोह आयोजन कर आजसू पार्टी से सैकड़ों लोगों ने त्याग देकर आजसू के प्रति अपना जो है भविष्य तलाश रहे। इसी कड़ी में अगर बात करें तो आज आजसू के केंद्रीय कार्यालय में आम आदमी पार्टी छोड़कर सैकड़ों लोग आजसू के प्रति अपनी आस्था दिखाई है और साफ तौर पर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया है कि आम आदमी पार्टी झारखंड के प्रति किसी तरह की कोई नजर नहीं रखती, सिर्फ संगठन बनाकर छोड़ दिया गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह काफी सक्रिय भूमिका में राजनीति में है रांची में, और साफ है कि रांची में वह लंबे समय से सक्रिय होने के बावजूद उनका जो दर्द है वो छलका कि आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरने से परहेज कर रही है। यही कारण है कि उन्होंने आजसू का दामन थामा। उन्होंने साफ तौर पर आजसू का दामन थामने के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ने की कोई जो मोटिव है वो उसके पास मौजूद नहीं है। झारखंड को जहां था उस मुकाम पर पहुंचाना है, और यही कारण है कि आजसू एक ऐसी पार्टी है, माटी की पार्टी है, जिसमें उन्होंने अपनी आस्था दिखाई है। हम लोग 2 साल बहुत मेहनत करके खड़ा किए थे और जिस मुकाम के लिए, जिस सोच के विचार के हम लोग आम आदमी को यहाँ डेवलप कर रहे थे। हमारा केंद्रीय टीम से बार बार बात होती थी, बीच में हमारे केजरीवाल साहब भी आए थे, उनसे भी बात हुई तो बोले कि देखते हैं झारखंड के प्रति, देखते हैं। उनका जो रुझान था वो देखते हैं वाला स्टेप था। तो हमने दिल्ली इसके पहले उनसे संपर्क किया तो बोले लोकसभा की कोई चर्चा नहीं है, लोकसभा हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम ले आगे 24 का विधानसभा तो बोले 24 का विधानसभा भी चांस कम है, आगे 29 में सोचेंगे। तो हम झारखंड के विकास के लिए पार्टी कर रहे हैं, हम झारखंड के लोगों को उनके हक दिलाने के लिए कर रहे हैं, झारखंड के लोगों को रोजगार देने के लिए कर रहे हैं, यहाँ के गति देने का काम कर रहे हैं। तो हमको समझ में आया कि टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। तो हम प्लेटफार्म देखे कि अभी आज के डेट में सबसे जुझारू और झारखंड के लिए कोई प्रगतिशील व्यक्ति दिखा तो हमको सुदेश जी से अच्छा कोई प्लेटफार्म नहीं दिखा। और सुदेश जी के नेतृत्व में काम करने का जो हमको अनुभव पहले भी था, इनके कामों का हमको अनुभव था, और इनका जो जोश है, जो जज्बा है, जो झारखंड को जिस मुकाम पर ले जाने का जो सोच है, उस सोच के चलते मैं इनके साथ जुड़ने का संकल्प लिया और बोला हम लोग फिर मिलकर, हम लोग यंग हैं, फिर मिलकर झारखंड को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का अगर क्षमता है तो सुदेश जी के नेतृत्व में, इसलिए हमने सुदेश जी के पार्टी का चयन किया और आजसू ज्वाइन का आयोजन हमने मन बनाकर आजसू परिवार में शामिल। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी में तमाम लोगों का स्वागत फूल माला देकर किया, पार्टी का पटका पहनाया और साफ तौर पर कहा कि झारखंड में विधानसभा के चुनाव में आजसू एक मजबूत भूमिका में रहेगी, एक विकल्प के तौर पर आने वाले दिनों में झारखंड में आजसू दिखने वाली है। देश के आप पार्टी के महानगर इकाई के पदाधिकारी और इनके कई सहयोगियों ने आज पार्टी में योगदान दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इनके आने से पार्टी के में ताकत और पार्टी में इजाफा होगा। इनकी गतिविधि से पार्टी के और यहाँ के लोगों को में समन्वय बनाने में, इस राज्य की तरक्की के पथ में राजनीतिक एक लीडरशिप और एक गैप को पूरा करने में सहयोगी के रूप में काम करेंगे। हम सबकी मंशा बड़ा स्पष्ट है कि राज्य को आने वाले समय में लोगों का एक नया जनादेश, नया जनमत लेके राज्य को इसके वाजिब जगह पर स्थापित करना, ये जिसकी तैयारी हम सब लगातार वर्षों से कर रहे हैं और उसी में एक नई ताकत के रूप में ये आज संगठन में आए हैं। मैं इनका पार्टी के अंदर में स्वागत करता हूं, इनकी पूरी टीम का अभिनंदन करते हैं। तो जिस तरह से लगातार आजसू के केंद्रीय कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है और ताबड़तोड़ लोग अलग अलग दल को छोड़कर आजसू में शामिल हो रहे हैं, तमाम तबके के लोग आजसू के प्रति अपना भविष्य और झारखंड का भविष्य तलाशने में जुटे हुए हैं। साफ है कि आने वाले दिनों में आजसू एक अलग मजबूत स्थिति में सूबे में दिख सकती है। रांची से महक मिश्रा की रिपोर्ट।